फ्रेंड्स, मैं हूं महेश महतो और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल भूगोल फॉर यू। आज के वीडियो सत्र में हम लोग कक्षा 11 विषय भूगोल के पुस्तक भारत भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत अध्याय 1 भारत स्थिति को मानचित्र के सहायता से अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कक्षा 11 के परीक्षाओं में मानचित्र कार्य से संबंधित 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें भारत के मानचित्र से संबंधित प्रश्न होते हैं। साथ ही साथ इस वर्ष से 12वीं कक्षा में विश्व मानचित्र के स्थान पर भारत के मानचित्र से संबंधित भी 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। अतः यह वीडियो कक्षा 11 और कक्षा 12 दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। अतः वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। मुख्य रूप से यह वीडियो मानचित्र पर आधारित है और मानचित्र के माध्यम से ही हम लोग पहला चैप्टर को भारत स्थिति के विषय में अध्ययन करेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें तथा हमारे चैनल भूगोल फॉर यू को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को अवश्य हिट करें, जिससे आगे आने वाले इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला चैप्टर में चैप्टर का नाम है भारत स्थिति और इस चैप्टर में हम लोग निम्न बिंदुओं को अध्ययन करेंगे, जैसे अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती है। हालांकि इस चैप्टर का मुख्य विषय बिंदु नहीं है, फिर भी इसको समझना हम लोगों के लिए अति आवश्यक है, तभी हम लोग किसी भी देश की स्थिति को जान सकते हैं। दूसरा विषय बिंदु है भारत की स्थिति क्या है। भारत की स्थिति से तात्पर्य है भारत विश्व के मानचित्र पर कहाँ स्थित है या किस गोलार्ध में स्थित है, इसके विषय में जानेंगे। अगला बिंदु है भारत का विस्तार क्या है, इसका लंबाई चौड़ाई साथ ही साथ इसका क्षेत्रफल क्या है। इसके बाद हम लोग देखेंगे विश्व के 7 बड़े देश साथ ही साथ भारत का स्थिति क्या है, इसके विषय में भी हम लोग मानचित्र के सहायता से अध्ययन करेंगे। अगला विषय बिंदु है भारत से होकर गुजरने वाली कर्क रेखा, कर्क रेखा की स्थिति को देखेंगे, भारत में किन किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे भारत का अम्योत्तर की स्थिति क्या है, भारत जिसे हम लोग भारत का मानक समय रेखा भी कहते हैं, या किन किन राज्यों से होकर गुजरता है, इससे भी परिचित होंगे, मानचित्र के माध्यम से देखेंगे। और अंत में हम लोग चर्चा करेंगे कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, यह भी मानचित्र के सहायता से अध्ययन करेंगे। तो चलिए बारी बारी से देखते हैं इन बिंदुओं को। भारत की स्थिति को जानने से पूर्व हम लोग को अक्षांश और देशांतर रेखाओं का ज्ञान होना अति आवश्यक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों में से अधिकांश लोगों को यह पता होगा, फिर भी संक्षिप्त रूप में हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि अक्षांश रेखाएं क्या होती है तथा देशांतर रेखाएं क्या होती है, क्योंकि अक्षांश और देशांतर रेखाएं ही किसी भी देश की वास्तविक स्थिति को बतलाने में सहायक होते हैं। तो अक्षांश रेखाएं क्या होती है, तो अक्षांश रेखाएं पृथ्वी पर या ग्लोब पर खींची गई वो काल्पनिक रेखाएं होती है जो पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती है। ये जो रेखाएं हैं पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई है, इन्हीं रेखाओं को हम लोग अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और सामान्य रूप से इन रेखाओं को परिभाषित करेंगे तो कह सकते हैं अक्षांश रेखाएं पृथ्वी पर खींची गई उन काल्पनिक रेखाओं को कहा जाता है जो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई है। वहीं देशांतर रेखाओं की बात करें तो देशांतर रेखाएं उन काल्पनिक रेखाओं को कहा जाता है जो रेखाएं पृथ्वी के उत्तर से दक्षिण की ओर अर्थात उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर मिलाने वाली रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे अक्षांश रेखाएं क्या है और देशांतर रेखाएं क्या है। अक्षांश रेखाएं मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं और ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर अर्थात उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं विश्व में भारत की स्थिति किस स्थान पर है या कहां पर है। तो ये है विश्व का मानचित्र और विश्व के मानचित्र में भारत यहाँ पर स्थित है और इसकी वास्तविक स्थिति को अगर हम लोग देखें तो भारत के मुख्य भूमि के दक्षिण में
8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, साथ ही साथ 60 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, 68 ये जो ब्लू वाली लाइन है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत की स्थिति है। ये जो अक्षांश और देशांतर ये भारत का विस्तार है। तो इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि भारत की स्थिति विश्व में उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत की स्थिति ग्लोब पर उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसका अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा देशांतरीय विस्तार जो है वह 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। मुख्य भूमिका यह विस्तार है। अगर भारत के दक्षिण में और इसका विस्तार जाता है जो निकोबार द्वीप समूह से 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश गुजरती है। निकोबार द्वीप समूह से होकर के यह ब्लू लाइन जो दिखाया गया है 6 डिग्री 4 मिनट है। अब हम लोग देखते हैं भारत के विस्तार के बारे में। भारत का क्षेत्रफल क्या है और भारत की लंबाई चौड़ाई क्या है। तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल। वहीं उत्तर से दक्षिण की ओर अधिकतम जो लंबाई है ये जो ब्लू लाइन से दिखाया गया है उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसकी उत्तर से दक्षिण अधिकतम लंबाई जो है 3,214 किलोमीटर है। वहीं पूर्व से पश्चिम की ओर अधिकतम चौड़ाई जो भारत की है 2,933 किलोमीटर है। यह गुजरात में पश्चिम और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक अधिकतम चौड़ाई 2,933 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा की बात करें तो स्थलीय भारत एक ऐसा देश है जिसका लगभग आधा हिस्सा 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तरी हिस्सा, 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से उत्तरी हिस्सा जो भाग है वह स्थलीय सीमा से जुड़ा हुआ है और 22 डिग्री से नीचे का जो क्षेत्र है, दक्षिण का जो क्षेत्र है वह जलीय सीमा से जुड़ा हुआ है। स्थलीय सीमा की लंबाई भारत में जो स्थलीय सीमा की लंबाई है वह 15,200 किलोमीटर है। वहीं जलीय सीमा की बात करें तो जलीय सीमा की लंबाई 7,000 किलोमीटर है और संपूर्ण जलीय सीमा की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। ये संपूर्ण जलीय सीमा का तात्पर्य है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह दोनों को मिलाकर संपूर्ण जलीय सीमा की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। वही मुख्य भूमि जो भारत का मुख्य भूमि है इस मुख्य भूमि का जो जलीय सीमा की लंबाई है वह 7,000 किलोमीटर है। अब हम लोग देखते हैं भारत का मानक अम्योत्तर जिसे भारत का समय रेखा भी कहा जाता है। मानक अम्योत्तर वह देशांतर रेखा होता है जिसके आधार पर किसी भी देश का समय को निर्धारित किया जाता है। कभी कभी प्रश्न आता है कि भारत का मानक अम्योत्तर रेखा कौन सा है और यह भी प्रश्न आता है कि भारत का मानक अम्योत्तर रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरता है। तो यहाँ पर पीला रंग का जो दिखाया गया है पीले कलर का ये सभी राज्य से होकर के भारत का मानक अम्योत्तर अर्थात 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है जिसमें से उत्तर से दक्षिण की ओर बात करें तो उत्तर में उत्तर प्रदेश, उसके बाद उसके दक्षिण में आता है मध्य प्रदेश या मध्य प्रदेश का मानचित्र है, उसके दक्षिण में आते हैं तो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का यह नक्शा है और इसके दक्षिण में आते हैं तो उड़ीसा राज्य, उड़ीसा, और सबसे दक्षिण में मानक देशांतर रेखा जो गुजरती है वह है आंध्र प्रदेश। तो ये जो मुख्य रूप से 5 राज्यों से होकर के मानक अम्योत्तर रेखा गुजरती है। यह भी प्रश्न आता है कि भारत के किन किन राज्यों से मानक अम्योत्तर रेखा या 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। तो इसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश।
अब जानते हैं कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा उस अक्षांश रेखा को कहते हैं जो 0 डिग्री विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित होता है। ग्लोब में 0 डिग्री विषुवत रेखा से उत्तर में 23.5 डिग्री 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, और यह कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। और ये जो कर्क रेखा गुजरती है भारत के, अगर बात करें तो पश्चिम से शुरू करते हैं, पश्चिम में गुजरात, गुजरात ये है, उसके बाद राजस्थान का यह हिस्सा है राजस्थान, और उसके बाद पूरब की ओर बढ़े तो मध्य प्रदेश आता है, यह है मध्य प्रदेश का मानचित्र। इसके बाद इसके पूरब में स्थित है, मध्य प्रदेश के पूरब में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड से होकर गुजरती है, और झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल का मानचित्र है, और इसके बाद पूर्वी क्षेत्र में त्रिपुरा और मिजोरम, ये जो राज्य है यह त्रिपुरा है और यह मिजोरम है। तो इससे संबंधित प्रश्न आता है कि भारत में किन किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो इसका उत्तर होगा पश्चिम से पूरब की ओर देखें तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। और कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। अब देखते हैं विश्व के 7 बड़े देश, विश्व के 7 बड़े देश क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 7 बड़े देश कौन कौन से हैं। तो नंबर एक में जो है वह रूस है, रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है दुनिया का, या 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है, यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों में फैला हुआ है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है, उसे हम लोग कनाडा के नाम से जानते हैं, कनाडा उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है और विश्व का 2रा बड़ा देश है। और तीसरे स्थान पर आता है वह संयुक्त राज्य अमेरिका है, जिसे यूएसए के नाम से जाना जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरे स्थान पे है, यह उत्तरी अमेरिका महादेश के अंतर्गत आता है। चौथे स्थान पर चीन आता है, चीन एशिया का एक प्रमुख देश है, क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे स्थान पर चीन आता है। उसके बाद आता है 5वें स्थान पर दक्षिण अमेरिका में स्थित ब्राजील है, ब्राजील का 5वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और 6ठे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया आता है, ऑस्ट्रेलिया महादेश के अंतर्गत, ऑस्ट्रेलिया देश है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का भी नाम है, ऑस्ट्रेलिया देश का भी नाम है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत न्यूजीलैंड वगैरह ये जो देश आते हैं। इसके बाद भारत का स्थान 7वें स्थान पर है, 7वां पोजीशन पे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। अब हम लोग अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं, अगला बिंदु है भारत के पड़ोसी देश। तो भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, यहाँ पर हम लोग देखें मानचित्र की सहायता से, तो ये भारत है, भारत के अगर उत्तर पश्चिम से शुरू करें तो उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, ये हरे रंग का दिखाया गया है, उत्तर पश्चिम में है, इसकी सीमा गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख से जुड़ा हुआ है। इसके बाद पाकिस्तान के बाद उत्तर पश्चिम में एक और देश की सीमा से भारत का सीमा सटा हुआ है, जिसे हम लोग अफगानिस्तान के नाम से जानते हैं, ये अफगानिस्तान भी भारत के पड़ोसी देश है। इसके बाद आता है उत्तर की ओर देखें तो उत्तर की ओर सबसे बड़ा देश भारत के पड़ोसी देश यह है चीन। इसके बाद यहाँ देखें भारत के उत्तर में पड़ोसी देश नेपाल आता है, ये ब्लू रंग से दिखाया गया है, यह छोटा सा डार्क ब्लू में दिखाया गया है, यह भूटान देश है। इसके बाद इधर पूर्वी क्षेत्र में देखें तो पूरब में म्यांमार आता है भारत के पड़ोसी देश। इसके बाद भारत के उत्तर पर पूर्व में जो यह देश है बांग्लादेश है, और दक्षिण में श्रीलंका है, इसके साथ साथ और दक्षिण पश्चिम में स्थित मालदीव, छोटे छोटे द्वीपों का समूह है, या मालदीव देश है। तो ये भारत के पड़ोसी देश हैं। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को भारत स्थिति से संबंधित यह वीडियो सत्र जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें तथा हमारे चैनल भूगोल फॉर यू को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को अवश्य हिट करें,
जिससे आगे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। साथ ही साथ इस वीडियो से संबंधित किसी प्रकार का प्रश्न सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें, और भूगोल से संबंधित अन्य विषय बिंदुओं को अगर जानना हो तो हमारे ब्लॉग www.bhugol.net में विजिट कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।